दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको फैसलाबाद की सबसे अहम जगह घंटा घर के बारे में बताऊंगा, जिसमें 8 मुफ्ती बाजार एक साथ हैं, एक साथ देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन 8 बाजारों में मुख्तलिफ किस्म की मार्केट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। दोस्तों मैं इतनी सुबह इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा काम हो रहा है। अभी तो यहाँ पे झाड़ू मारी है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। दोस्तों मैं अभी आपको नाश्ता करने के बाद मुरास वाला जगह भी दिखाऊँगा। मैं आपको यहाँ पे इतनी सुबह सुबह इसलिए लाया हूँ ताकि यहाँ पे अगर मैं दिन को लाता तो यहाँ पे दुकानें भी सारी खुली होती और फिर सही से आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सुबह सुबह ले आया। और अभी मैं नाश्ता करने के बाद मैं आपको यहाँ पे रश वाली जगह भी दिखाऊंगा। दोस्तों मैं इस टाइम चेरी बाजार में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोबाइल बिकते हैं दिन में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे इतनी सुबह इसलिए आई हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कितनी चीज़ें होती हैं। दोस्तों मैं आपको उस टाइम घंटा घर के 8 मुफ्ती बाजारों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं अभी उन बाजार से यहाँ पे आई हूँ और ये कचहरी बाजार के 8 बाजार हैं। दोस्तों कचहरी बाजार के साथ है चिन्नौर बाजार, यहाँ पे ज़्यादातर दवाइयाँ बेची जाती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रश अभी बहुत कम है, लेकिन अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बंदों से मार्केट भर जाएगी। दोस्तों चिन्नौर बाजार के साथ अमीरपुर बाजार है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर कपड़े और डेकोरेशन पीस और बेडशीट खरीदने आते हैं। दोस्तों अमीरपुर बाजार के साथ है बवाना बाजार, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े बिकते हैं और बैग्स बिकते हैं और ज्वेलरी बिकती है। दोस्तों बवाना बाजार के साथ जंग बाजार है, जहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट्स मसाले और ग्रोसरी की चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों जंग बाजार के साथ बोंटी बाजार है, जहाँ पे लोग अभी बहुत सुबह हो रही है, यहाँ पे भी कपड़े बिकते हैं और नाश्ता बिकते हैं। दोस्तों बहुत सुबह हो रही है इसी वजह से यहाँ पे नाश्ता बिक रहा है। दोस्तों अगला बाजार है कारखानों बाजार, जहाँ पे लोग ज़्यादातर कपड़े बिकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लोग सुबह सुबह कपड़ों की स्टॉल लगा रहे हैं। दोस्तों इस आखिरी बाजार का नाम रेड बाजार है, यहाँ पे भी ज्यादातर कपड़े बिकते हैं। दोस्तों मैं अच्छा लगेगा और ये मेरा वीडियो देखते रहेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों मैं नाश्ते के लिए जा रहा हूँ, मिलते हैं नाश्ते के बाद। नाश्ते के लिए डी ग्राउंड आया हूँ, यहाँ पे मैंने हलवा पूड़ी और नान चने और लस्सी मंगवाई है।
दोस्तों मैं नाश्ता करके अभी यहाँ पे कचहरी बाजार आ गई हूँ। यहाँ पे दुकानें खुलनी शुरू हो गई और वो सामने घंटा घर है। दोस्तों आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा अभी रश है। अभी दुकानें सारी नहीं खुली, जब खुली होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना रश है। मैं आपको मुख्तलिफ बाजारों में लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इतना रश होगा कि गाड़ी भी यहाँ से गुजरना मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अली लेके आई हूँ ताकि मैं आपको सारे बाजार बता सकूं। ये सारे बाजार वन में टैकर हैं, जहाँ पे कुछ बाजार में से आप नहीं निकल सकते, कुछ भी निकल सकते हैं। किसी में आप उसे जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पे उससे दूसरे पे नहीं आप गुजर सकते। चेरी बाजार से दाखिल हुआ था और अभी मैं जंग बाजार से जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दुकानें खुलनी शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। दोस्तों आप ये जंग बाजार में सब्जियां देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जी के साथ साथ बाकी ग्रोसरी का सामान भी मिलता है। दोस्तों मैं चिन्योर बाजार से एंटर हो रहा हूँ। यहाँ पे मेडिसिन की दुकानें हैं और दोस्तों मैं अभी रेल बाजार से निकलूंगा। आप साइडों पे दोनों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिसिन की दुकानें ओपन हो रही है। बाजार से घंटा घर की तरफ पहुंचे और अभी मैं रेल बाजार की तरफ से जा रहा हूँ। आप देखें रेल बाजार में इससे बाहर निकल रहा हूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता दुकानें खुलना शुरू हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बाइक भी बहुत कम है। यहाँ पे भी ज्यादा होंगी बाइक तो गाड़ी निकालने की भी जगह नहीं होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रेल बाजार का एंड है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। दोस्तों मुझे
उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज वाली वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपके पास जब भी टाइम हो तो आप घंटा इस घंटा घर में ना आइएगा।